हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। बारिश की मौसम है और एकदम सा ठंडा सा मौसम हो गया है, इसीलिए और बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए हम कुछ घरेलू नुस्खा यानी कि कुछ ऐसी रसोई बनाएंगे जो बच्चों को भी हेल्दी लगे और इस मौसम में भी सभी को अच्छी लगे। तो आज हम क्या बनाएंगे देखते रहिए। तो आज हम बनाएंगे बेसन के चिले, यानी गुजराती में हम बोलते हैं बेसन ना पुडला। तो अच्छे खासी सब्जी आ जाएंगी उसमें, धनिया, लहसुन, ग्रीन लहसुन, प्याज आदि जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। हमारा डो बन करके रेडी है, इसमें जाएंगे थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, इसे आप ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन की रेड चटनी बनाई है। लहसुन को पीस कर उसमें मिर्ची डालकर जो चटनी बनाई थी उसमें पानी डालकर घोल बनाया है, वो डालूँगी, इसका स्पेशल टेस्ट आएगा। ये लहसुन की चटनी है, सारी गुठलियाँ तोड़ के पानी में भिगो के रखा था मैंने 5-10 मिनट पहले, वो डालूँगी। उसके बाद सारी सब्जियाँ रखी है, प्याज चॉप किया हुआ, ग्रीन गार्लिक और ढेर सारा धनिया, इसमें आप हरी मिर्ची डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐड की है, और अदरक भी डाल सकते हैं लेकिन अदरक हमें अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने नहीं डाला। और सभी को मिक्स कर देते हैं। बहुत सा बढ़िया बनेगा और गोल पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, जितना पतला होगा उतना कूड़ा पतला बनेगा। यदि आप को ऐसा लगे कूड़ा बनाने के बाद कि बहुत ठीक हुआ है तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल सकते हैं। अब हमने लोही रख दी है, हम नॉन स्टिक में नहीं बना रहे हैं, हम जो रेगुलर यूज़ करते हैं लोहे की उसमें ही बनाएंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे, फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। और ऐसे करके पूरी लोहे में तेल के उसके बाद इसमें ये बटर स्प्रेड करेंगे। हम चाहे तो स्पून घुमा के भी उसको फैलाते हैं और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देते हैं, चिपके नहीं। जो लोहे की पेन में बनाते हैं ना उसका टेस्ट और नॉन स्टिक में बनाते हैं में थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
क्योंकि लोहे में क्रिस्पी होती है, नॉनस्टिक में क्रिस्पी नहीं होता है ज़्यादातर, उसमें सॉफ्ट बनता है। और इसे पलट देंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी होने दें, बाद में तैयार हो जाएगा हमारा घोल। थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें। पूरा हमारा बन करके रेडी है, एकदम क्रिस्पी, और इस ठंडी मौसम में बहुत ही हेल्दी, और हमारा घरेलू फूड पुडला।